नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आइए रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, शेरघाटी ब्लॉक परिसर में महागठबंधन के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया। धरना का उद्देश्य आसमान छूती महंगाई, रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीबों को स्लेव मूर्ख बनाया है, साथ ही बढ़ती बेरोजगारी से भी लोग बेहाल हैं। केंद्र सरकार के कार्यालयों में लाखों पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई बहाली नहीं निकाल रही है। 75 वर्षों में बेरोजगारी की ऐसी भयावह स्थिति कभी सामने नहीं आई। मोदी सरकार ने अपने 9 साल के शासन में अकेले 85,000 करोड़ का कर्ज लिया। देनदारियों को निपटाने में इस कर्ज का इस्तेमाल हो रहा है, इसका कोई फायदा आम लोगों को नहीं पहुंच रहा। केंद्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, मनरेगा सहित अन्य ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं की मदद में लगातार कटौती कर रही है। किसानों की आय को दुगनी करने का वादा था, लेकिन मोदी सरकार किसानों को उनकी जमीन से भी बेदखल कर कॉर्पोरेटों के हाथ में जमीन सौंप देने का कानून लेकर आई है। इस तरह बहुत सारे बिंदुओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र यादव, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, टिक्का खां उर्फ उमेर खां, वसीम अकरम, किशोर यादव, आपको बता दें जिसान जावेद आदि कार्यकर्ता शामिल थे। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। समाज के हर वर्ग को पे अत्याचार हुआ है, चाहे आप किसान को ले लो, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को ले लो। वो सुंदर अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको ईस्टर्न एरिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, वहाँ की फीस 250 गुना बढ़ा दी मोदी की सरकार ने। माइनॉरिटी पर तो वार करते हैं वो नैरेटिव फिक्स करने के लिए, जब मौलाना आज़ाद फेलोशिप को ख़त्म करते हैं, मगर आप देखिए ये किसी के नहीं है। मुल्क पे इतना कर्ज बढ़ गया है, पत्रकार महोदय मैं बताऊं कि आज़ादी के बाद 2014 तक भारत पे 50 लाख करोड़ का कर्ज था दुनिया का, और पिछले 9 साल में वो कर्ज 115 लाख करोड़ का हो गया। यही मोदी सरकार की उपलब्धि है। किसान परेशान, गरीब परेशान, छात्र परेशान, माँ बहन की सुरक्षा सम्मान नहीं, न्याय नहीं, देश का सम्मान बढ़ाने वाली ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली बच्चियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो भारतवर्ष की जनता जाग रही है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो यात्रा लेके निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो उन्होंने आम जनमानस के बीच में ये मैसेज दिया कि डरो मत, और हम नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, मोहब्बत की दुकान खुलना शुरू हो गई है। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भारतवर्ष के तमाम वैसे जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियाँ हैं, सेकुलर विचारधारा रखने वाली पार्टियाँ हैं, वो तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और पूरे हिंदुस्तान में आने वाले 23 तारीख को एक मैसेज जा रहा है कि विपक्ष की तमाम पार्टियां बिहार की इस क्रांतिकारी धरती पे सब जमा हो रहे हैं। और आज जो पूरे बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय पे धरना है, वो सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए, जनमानस में एक जन जागरण का अभियान चलाने के लिए, देश की राजनीति को मुद्दे पे लाने के लिए, और भारत के सुंदर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। धरना का उद्देश्य है जो केंद्र सरकार की जो नीति है गरीबों के खिलाफ, महंगाई का आपका जो राष्ट्रीय जनगणना जो है उसके खिलाफ जो कर रही है, इन्हीं सब मुद्दों के साथ धरना का आयोजन किया गया है। पूरे बिहार में जो महागठबंधन है बना है, नीतीश जी की अगुवाई में जो 6 पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाई है, उस 6 पार्टियां का एक साथ एक मुफ्त गठबंधन 5 से 34 बिहार का सभी प्रखंडों में चलाया जा रहा है और धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मुद्दा है धरना? धरना का मुद्दा वही है जो केंद्र सरकार का महंगाई है। जैसे आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उसमें कहीं नहीं दिख रहा है, बल्कि और जितने भी कंपनियां हैं सब निजी हाथों में, कॉरपोरेट घरानों के हाथों में बेचा जा रहा है, और महंगाई चरम सीमा पर है। कहीं पर बेटी बहू की इज्जत जो है वो सुरक्षित नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ पुनः जो है तो हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं।
इनके खिलाफ 2024 का जो आने वाला दिन है, जो चुनाव होगा, उसके इनके खिलाफ जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, और यहीं से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। मैं परिचय जितेंद्र, मेरा परिचय जितेंद्र प्रसाद यादव, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। उद्देश्य आज धरना का, पूरे बिहार के 1814 प्रखंड मुख्यालयों पर महागठबंधन की ओर से धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश में जो भाजपा की सरकार है वह उन्मादी सरकार है, भ्रम फैलाने वाली सरकार है, गरीब गुरुओं को धोखा देने वाली सरकार है, और उनके गलत नीतियों से जो पूरा देश परेशान है उसके खिलाफ में हम लोगों को एकजुट करने के लिए, भाजपा की सरकार का विरोध करने के लिए ये धरना का कार्यक्रम आयोजित किए। अपना परिचय दीजिए। प्रोफेसर अरविंद कुमार, जनता दल अध्यक्ष, घाटी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ महागठबंधन मजबूत है, इनकी हक